सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। लक्ष्मण जी ही इस जन्म में बलराम बन कर आए हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी तो राम से छोटे थे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जंगल में थे। जब राम लक्ष्मण वापस आए अयोध्या 14 वर्ष बाद, तो एक दिन वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी की भरी सभा में पीठ थपथपा रहे थे। वाह लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा भाई ना भूतो ना भविष्यति। लक्ष्मण जी ने अपने भाई के लिए 14 साल तक पत्नी का त्याग कर दिया, 14 साल तक निद्रा का त्याग कर दिया। याद रखना मेरी माँ, 14 साल जिस दिन राम का वनवास हुआ था, उस दिन से लेकर जिस दिन राम जी वापस अयोध्या आ नहीं गए, 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। नींद पर विजय प्राप्त यदि किसी ने की है तो मात्र 2 लोगों ने की है। पहले का नाम है श्री लक्ष्मण जी, दूसरे का नाम है अर्जुन। लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं। और इतना ही नहीं, वशिष्ठ जी बोले सुनो सभासदो, लक्ष्मण ने 14 साल तक भोजन भी नहीं किया। राम जी खड़े हो गए सिंहासन पर। गुरु जी आपको पता नहीं है, मैं रोज दौना भर भर के जंगल के फल लक्ष्मण लाता था, मैं दौना सजाकर अपने भाई लक्ष्मण को देता था। कहो लक्ष्मण आपने खाया कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले भैया, जब आप मुझे दौना भरा फल देते थे ना, तो मैं दौने से कह देता था, सुनो अभी मैं राम की सेवा कर रहा हूँ, खाने का समय नहीं है। जब मैं राम की सेवा पूरी कर लूंगा 14 वर्ष का काम, तब मैं आऊंगा, तब तक तुम वहां जाओ। तो राम का दिया हुआ प्रसाद भला खराब कैसे होता? वो तो दिव्य प्रसाद हो गया ना, है ना? राम जी लक्ष्मण को देते और लक्ष्मण जी अपने दिव्य भक्ति के बल से उसे अयोध्या में भेज देते। अब आप कहेंगे कैसे? अरे भाई, वो लक्ष्मण जी हैं, शेष अवतार हैं, वो भगवान हैं, सब कुछ करने की सामर्थ्यता, ये छोटी मोटी बातें। चलिए, अब राम जी बोले लक्ष्मण यदि तुमने फल भेजे हैं तो बताओ कहाँ है। लक्ष्मण जी बोले चलो सारे अयोध्या वासी, राम जी, कौशल्या जी, सीता जी, सब थी उस टाइम पे, सब गए। और लक्ष्मण जी ने अपना स्टोर रूम खोला तो दौने भरे पड़े थे। राम जी ने गिनती करवाई तो 4 दौने कम निकले। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुमने 4 बार तो भोजन किया है। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैंने 4 बार भोजन नहीं किया, मैंने 4 बार भोजन नहीं किया, तो फिर ये 4 दौने कम कैसे हैं भाई? तब लक्ष्मण जी ने कहा भैया पहला दौना वो कम है जब आपका वनवास हुआ था। राम जी का वनवास सुबह के 9:30 बजे, तो राम जी वनवास के लिए चल पड़े। राम जी जब वनवास गए थे समय कितना था? लगभग 9 से 10 के बीच में राम जी वनवास के लिए निकल गए, और ये वक्त भोजन का नहीं था, है ना? सुबह के 7 बज गए, आज दशरथ जी नहीं आए। रोज दशरथ जी सूर्य उदय होने के पहले सिंहासन पर, राज्य सिंहासन पर बैठ जाते थे, आज नहीं आए। तो सुमंत्र जी को कुछ गड़बड़ लगा, वो कैकई के महलों में गए। कैकई के महलों में वो लगभग 7:15 बजे पहुंचे और वहां पर उन्होंने वार्ता की, और सुमंत्र जी ने दशरथ जी से कहा ये हालत कैसी हुई। 15 मिनट में उन्हें समझने में कैकई ने समझाया कि ये राम को बुलाओ। 7:30 बजे राम जी को लेने के लिए सुमंत्र जी गए, राम जी के पास गए। 10 मिनट लगा जाने में, राम जी ने सुना पिताजी बुला रहे हैं, जैसे थे वैसे ही चल पड़े।
लगभग 8 बजे तक, 8 से सवा 8 बजे तक राम जी दशरथ जी के महलों में थे, दशरथ जी के पास थे। कैकई माँ ने हंसते हंसते कहा कि तेरे पिता से मैंने 14 साल का वनवास तेरे लिए मांगा है। तो राम जी मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी इतनी सी बात को लेकर आप रो रहे हैं? दशरथ जी को समझाया और लगभग 8:30 बजे राम जी दशरथ जी को समझा कर दशरथ जी के महलों से निकल गए। और इतने में अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लेते हैं, गुरुजनों से आज्ञा लेते हैं, कपड़े बदलते हैं, सारे कपड़े उतार के राजसी वलकल वस्त्र धारण करते हैं। इतना करने में लगभग 1 घंटे का वक्त, 1.5 घंटे का वक्त लगा और लगभग 9:30 बजे राम जी अयोध्या से चल पड़े थे 14 वर्ष के वनवास के लिए। उस समय राम जी ने भोजन नहीं किया था। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु उस दिन आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, तो जब आपने नहीं खाया तो आपने दोना हमें नहीं दिया, हम नहीं लिए तो यहाँ आया नहीं। पहला दोना वो कम है, दूसरा दोना जब आप चित्रकूट में थे, मैं आपके चरणों में था, उस समय जब भरत जी मिलने आए चित्रकूट में राम जी से, भरत जी राम से मिलने चित्रकूट कितने बजे पहुंच गए थे? सुबह के वक्त। और भरत जी को देखकर राम जी जब उन्हें हृदय से लगाए और राम को पता चला कि मेरे पिता अब नहीं रहे, अयोध्या वासियों ने बताया कि दशरथ जी अब नहीं रहे, तो पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर राम जी ने भोजन नहीं किया। प्रभु जब आपने नहीं किया तो मैंने नहीं किया, दूसरा दोना वो कम है। तीसरा, जब रावण ने सीता का हरण किया, रावण भी सीता को सुबह के वक्त ही चुरा कर ले गया था। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। सुबह क्या हुआ, सीता जी बैठी थी, राम जी बैठे थे बाहर, तभी सुबह सुबह एक हिरण सोने की तरह वहां से निकला, सीता की दृष्टि पड़ी, देखो अब वापसी में तो जल्दी है, हम जल्दी चलेंगे, अब अयोध्या चलने वाले हैं, ये सोने का मृग मिल जाए तो काम बन जाए। राम जी बोले, लाता हूं। राम जी चल पड़े, लक्ष्मण जी ने रेखा खींची और जब वो मरा तो लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण चिल्लाया, सीता ने भेज दिया। रावण ने सीता से यही तो कहा था, हमें बड़ी भूख लगी है और भोजन का टाइम सुबह ही होता। सुबह रावण ने सीता का हरण किया, जब तक राम जी लौटे सीता नहीं थी। उस दिन सीता के लिए राम ने रोते रोते दिन गुजारा। उस दिन प्रभु आपने कुछ नहीं खाया सो मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दिया सो मैंने यहां नहीं भेजा, तीसरा दोना ये कम है। और चौथा दोना, जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति लगभग 11:30 बजे मारी थी। क्यों? क्योंकि युद्ध सुबह से होते थे, युद्ध सुबह से होते थे, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता था युद्धों में भोजन इत्यादि के लिए। धर्म युद्ध हुआ करते थे ना पहले, 1 घंटे का ब्रेक हुआ करता था ताकि सब भोजन प्रसादी कर ले। लगभग 12 बजे लंच होता था और उस दिन के युद्ध में लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मार दी। तो लक्ष्मण जी तब खाते जब लंच होता, पर लंच के पहले ही शक्ति लग गई। तो लक्ष्मण जी ने कहा, वो पूरा दिन मैं आपकी गोद में पड़ा रहा, दूसरे दिन जब संजीवनी बूटी मैंने खाई सूर्य उदय के पहले, तब कहीं जाकर मेरा प्राण बचा। अर्थात चौथा दोना इसलिए कम है कि जब मुझे शक्ति लगी थी तो आपने कुछ नहीं खाया और मैं तो आपकी गोद में था, वो 4 दोने कम है। बाकी पूरा गिन कर देखो, राम जी ने सारे दोने गिन कर देखे, बराबर थे। 3 दोने राम जी ने जानकर नहीं गिने, 3 दोने और कम थे, पर उसका उस 3 दिन का हिसाब राम के पास था। कौन सा 3 दिन?
जब समुद्र के यहां हाथ जोड़कर राम जी बैठे थे, रास्ता दे दो समुद्र जी। बिनय न मानत जलधि चढ़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। राम जी तीन दिन वो समुद्र से प्रार्थना करने में लग गए ना, तो तीन दिन राम जी को पता था कि तीन दिन तो मैं ही नहीं खाया तो ये खाएगा नहीं, तो वो तीन दिन काउंटिंग राम जी ने नहीं की। चार दौने और टोटल सात दौने कम थे, तो तीन दिन का हिसाब तो राम जी के पास था पर चार का हिसाब नहीं मिल रहा था, तो राम जी ने क्लियर किया। और लक्ष्मण जी ने जब बताया तो राम की आंखों से आंसू आ गए और राम ने कहा, लक्ष्मण मुझे ये तो पता था कि तूने 14 साल से सोया नहीं है, 14 साल तक तूने किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, पर आज मुझे पहली बार पता चला कि मेरे भाई ने 14 साल बिना खाए अपने भाई की रक्षा करता रहा, सेवा करता रहा, मैं ऋणी बन गया हूँ। लक्ष्मण कैसे ऋण उतारूं? बोले अगले जन्म में तुम बड़े बनकर जाना, तुम बलराम बनकर जाना और मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और मैं तुम्हारे चरण दबाकर कुछ ऋण चुकाना चुकाने की कोशिश करूंगा, ऋण चुकाऊंगा। इसलिए वो लक्ष्मण जी इस जन्म में बलदाऊ बनकर आए और वह मेरे राम इस जन्म में मेरे श्याम सुंदर बनकर आए।